नमस्कार, हमारे साथ में है डॉक्टर प्रेम शंकर जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में वैज्ञानिक है फसल सुरक्षा के यानी प्लांट प्रोटेक्शन के। साथ ही आपके ऊपर जो सबसे अहम जिम्मेदारी है वह है युवाओं की बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। और अक्सर गाँव माथा पर ये सवाल आते रहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसे रोजगार बताए जाए जो कृषि या कृषिगत हों, कृषि से जुड़े हुए हों। तो आज ऐसे ही एक रोजगार पर प्रशिक्षण के बारे में हम जानेंगे डॉक्टर प्रेम शंकर जी से, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती द्वारा संचालित किया जाना है। इसकी क्या मानक है, क्या योग्यता है, क्या शुल्क है या निःशुल्क है, ये सारी जानकारियां करेंगे। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जरूर देखें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये हमारे और आप जैसे युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चाहेंगे जो आने वाले दिनों में मशरूम प्रशिक्षण आयोजित होना है उसके बारे में पूर्ण जानकारी दें, और क्या योग्यता है, किस तरह से यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना होगा वो बताएं, जिससे किसान और युवा जो है बेरोजगार युवा संपर्क कर पाएं, और कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, ये सारी चीजें हम चाहेंगे। प्रश्न इस बार में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीच में मैं आपको टोकना नहीं चाहूंगा, और क्या क्या चीजें इसमें अहम होती है सब पर जानकारी। धन्यवाद पांडे जी। जैसा कि आप मशरूम के बारे में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र पे आए हैं जानकारी लेने, मैं बताना चाहूँगा ये कृषि विज्ञान केंद्र आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या का ये प्रसार का केंद्र है। इस केंद्र का मुख्य काम ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, परीक्षण और अन्य प्रसार गतिविधियों, ये चार एस्पेक्ट पे ये कृषि विज्ञान केंद्र काम करता है। और जो भी योजनाएं हैं या तो भारत सरकार या हमारा विश्वविद्यालय से योजनाएं संचालित होती हैं उन पे हमारे यहाँ काम होता है। प्रशिक्षण के दौरान जैसे कि प्रशिक्षण ये केंद्र पर भी कराए जाते हैं और ऑफ कैंपस बाहर भी, केंद्र के बाहर भी कराए जाते हैं। प्रशिक्षण में हम कृषक भाइयों, कृषक महिलाओं को भी देते हैं, बेरोजगार युवक युवतियों को भी देते हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको भी देते हैं, और इन सर्विस जो एग्रीकल्चर से डिपार्टमेंट के लिंक के कर्मचारी हैं उनको भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। और प्रशिक्षण में जैसे कि प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 2 दिवसीय, 5 दिवसीय, 10 दिवसीय, 15 दिवसीय, तो यहाँ मुख्यतः 2 दिवसीय और 5 दिवसीय ज़्यादातर प्रशिक्षण आयोजित होते हैं। इसमें प्रशिक्षणार्थियों को अगर प्रति बैच की अगर बात करें तो 20 से लेकर 25, कभी कभी 35 लोग भी एक प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या रहती है। इसमें निःशुल्क हमारे यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण विभिन्न विषयों पर आयोजित होता है, जैसे मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, आपका मुर्गी पालन, आपका बीजोत्पादन तकनीक, नर्सरी मैनेजमेंट पे, तमाम विषयों पे हमारे यहाँ प्रशिक्षण होते हैं और प्रशिक्षण निःशुल्क दिए जाते हैं। इसके लिए जो योग्यता है यहाँ पे, जैसे मशरूम उत्पादन, बकरी पालन या मधुमक्खी पालन, जो भी रोजगार पर प्रशिक्षण है उनके लिए 5 दिवसीय जो एक हमारे यहाँ योजना चल रही है आर्या परियोजना, उसके अंतर्गत 5 दिवसीय रूरल यूथ को दिया जाता है। इसमें एक थोड़ा ये है कि जिसकी एज 18 से 35 की हो, चाहे मेल हो या फीमेल, वो प्रशिक्षण निःशुल्क ले सकते हैं। कुछ नहीं, ये हमारा प्लान अक्टूबर से प्रशिक्षण आयोजित होना चालू हो जाएंगे, और जो भी इच्छुक हमारे जनपद के जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो भाग ले सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, अन्य विषयों पे भी अगर प्रशिक्षण लेना चाहें तो ले सकते हैं। मशरूम, क्योंकि ये जनपद जो है बस्ती जनपद आपका मशरूम के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये टोटल आपके 14 ब्लॉक हैं जिसमें 12 ब्लॉक में मशरूम की खेती बृहद पैमाने पर होने लगी है, और यहाँ तक कि 2 ब्लॉक जैसे हरैया ब्लॉक और कप्तानगंज ब्लॉक में हब के रूप में लोग 4-5 गांव एक साथ 300-400 से लेके फैमिलियाँ मशरूम की खेती, बटन मशरूम की खेती कर रही हैं। और इसमें कुछ नहीं, ये मौसमी मशरूम, क्योंकि इसकी अक्टूबर टू मार्च खेती करते हैं
और बटन की खेती करने में कोई इतना, अगर टेम्परेरी बेस पे परमानेंट, क्योंकि ये मौसम आधारित खेती है, इसमें अगर एक 50 बाई 20 स्क्वायर फीट के एरिए का अगर हम खेती करते हैं तो उसके लिए लागत 80 हज़ार से 1 लाख रुपए आती है, और इससे जो प्रॉफिट आमदनी होती है वो लगभग शुद्ध लाभ लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए शुद्ध लाभ पर मिल जाती है। जैसे जैसे आप शेड की संख्या, झोपड़ी की संख्या बढ़ा देंगे तो वो आमदनी जो है अधिक होती जाएगी और आपकी लागत कम होती चली जाएगी। जो लागत आपकी 80 हज़ार से 1 लाख रुपए लग रही थी वही आपकी घट के 50 हज़ार में आ जाएगी, और प्रॉफिट जो आपको 1 से 1.5 लाख मिल रहा था वही आपके पर शेड से 2 लाख 2.5 लाख तक पहुंच जाएगा। तो ये बेहद, जिन हमारे नवयुवक जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कोई काम नहीं, बाहर जाते हैं, तो यहीं पे ट्रेनिंग लेके प्रशिक्षित होके आप व्यवसाय कर सकते हैं। इसी प्रकार बकरी पालन का, इसी प्रकार मधुमक्खी पालन का भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। अगर कोई सीखना चाहता है तो हम अपना नंबर भी दे दे रहे हैं। हमारा नाम है डॉक्टर प्रेम शंकर, हम यहाँ पे पौध सुरक्षा विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9616293780, 9616299298097, 9616293780। यहाँ पे 5 दिवसीय प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण उपरांत यहाँ पे प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, और उनको यहाँ पे किसानों को या बेरोजगार जो नवयुवक आते हैं उनको पौध भी प्रोवाइड कराई जाती है। इससे कुछ पौध हमारे यहाँ लेटेस्ट पौध हैं, आम की पौध या नींबू की पौध या सागौन की पौध, वो भी हम लोग एक एक पौध कम से कम देते हैं किसान भाइयों को या प्रशिक्षार्थियों को, जो अपने यहाँ जाएं लगाएं और देखें उसकी खासियत क्वालिटी का। अब क्योंकि अक्टूबर महीने से आपने प्लानिंग किया हुआ है मशरूम प्रशिक्षण को लेकर के, तो मशरूम प्रशिक्षण में क्या क्या चीजें अहम होती हैं, जैसे कंपोस्ट तैयार करना, तो किन किन चीजों को कवर किया जाने की कोशिश की जाती है? जी, यहाँ मशरूम उत्पादन पे जैसे मोस्टली यहाँ पर किसान भाई बस्ती जनपद के किसान में बटन मशरूम की ही खेती करते हैं मुख्यतः। दूधिया और ढंगरी का उतना अच्छा स्कोप नहीं है, नहीं कर पाते हैं, कुछ ही किसान भाई हमारे करते हैं। लेकिन बटन में सबसे बड़ी इसमें खेती करने में एक अहम पहलू है वो कंपोस्ट का। जितना अच्छा कंपोस्ट बना लेंगे प्रोडक्शन उतना अच्छा ले लेंगे। कंपोस्ट बनाने में ही जो 1 महीने का समय लग जाता है, विभिन्न पलटाइयाँ होती हैं, लगभग 13 पलटाई, 7 से 8 पलटाइयाँ होती हैं इसमें, और लगभग ये पलटाइयाँ और ये लगभग 1 महीने का चरण होता है तो कंपोस्ट बनाने। दूसरा क्या है कि इसमें ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब 50 बाई 20 स्क्वायर फीट एरिया में भी, और कंपोस्ट के लिए बहुत से किसान भाई अपना शेड नहीं बना पाते कंपोस्टिंग शेड, तो वो अपना जहाँ आपका झोपड़ी है वहीं बगल में ही कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं। तो कुछ नहीं, इसमें जो पूरक सामग्री जो होती हैं कंपोस्ट तैयार करने में, तो सबसे पहले तो एक भूसे की आवश्यकता पड़ेगी, गेहूं के भूसे की। मान लीजिए 10 कुंटल गेहूं का भूसा है, उसमें खाद आपको यूरिया, डीएपी, पोटास 50 50 किलोग्राम, आपका जिप्सम, आपका जिप्सम 100 किलोग्राम, आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 30 किलोग्राम, चोकर आपका 100 किलोग्राम, इस प्रकार से फार्मलिन की आवश्यकता पड़ती है, आपका ये कीटनाशक फफूंदी नाशक की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे आप कंपोस्ट तैयार करेंगे। कंपोस्ट तैयार करने से पहले जिस एरिया में हम कंपोस्ट तैयार करते हैं उस एरिया को पहले स्टरलाइज करना होता है, डिसइनफेक्ट करना होता है, जिससे उसमें कंपोस्ट जो हम तैयार कर रहे हैं उसका संक्रमण हानिकारक फफूंद या हानिकारक कीड़े बीमारी का ना प्रकोप हो, तो हम उसको फार्मलिन से स्टरलाइज कर लेते हैं एरिया को। फिर उसके बाद हम 1 फीट भूसा डाल के चारों तरफ से मेड़ी बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम भूसे को 1 फीट फैला देते हैं। फिर उसमें ये जितनी भी चोकर हुआ, खादें हुई, जिप्सम को छोड़ के कीटनाशक और फार्मलिन और फफूंदी नाशक को छोड़ के, सब जितनी भी खादें हैं, यूरिया, पोटास,
पोटाश, डीएपी, कैन खाद और चोकर, मुर्गी की खाद, ये सब ऐड कर देंगे और पानी भर के उसमें 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद पानी निथार देते हैं। पानी निथारने के बाद से फिर ये हम मिलाते हैं। पहली पलटाई हम छठवें दिन करते हैं। इसी प्रकार 3 दिन के अंतराल पे हम पलटाइयाँ करते हैं। लास्ट पलटाई हम लगभग 28वें दिन करते हैं। जब हम लास्ट पलटाई करते हैं, एक बात और ध्यान रखनी हो, जब तीसरी पलटाई करते हैं उसमें जिप्सम हम मिला देते हैं। और लास्ट पलटाई हम 28वें दिन में करते हैं। पलटाई के 28वें दिन में जब हम कंपोस्ट देखते हैं कि हमारी कंपोस्ट सुनहरी टाइप की कलर की हो जाती है और भरभरी एकदम, और उसमें अमोनिया की गंध युक्त हो जाती है, अमोनिया की गंध नहीं आती, तो ये मान लेना चाहिए कि हमारा कंपोस्ट तैयार है। अब हम कंपोस्टिंग करने का उसमें समय हो गया। सेट पे ले आए, चाहे बैग में भरना हो, चाहे सेट जो बनाए हैं, रैक बनाए हैं उनमें भरना हो, तो इसमें और मशरूम बीज जिसे स्पान बोलते हैं, एक क्विंटल तैयार कंपोस्ट में 1 किलोग्राम मशरूम बीज स्पान की आवश्यकता पड़ती है। बिजाई कर देते हैं। बिजाई के उपरांत हम केसिंग करते हैं। 7-8 दिन बाद हम केसिंग, जब जब फंगस ग्रो होने लगता, फफूंदी फंगस आपका ग्रो कर जाता है, सफ़ेदी लेयर बन जाती है, तब हम केसिंग करते हैं। केसिंग उपरांत हम हटा के फिर पेपर से ढकते हैं। पेपर से ढकने के उपरांत हम हल्का पानी का छींटा देते रहते हैं। 10 से 15 दिन उपरांत केसिंग के आपका बटन का मशरूम तैयार होने लगता है। हम क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाई तोड़ लेते हैं। लगभग अगर आप 1 क्विंटल आप कंपोस्ट तैयार से मशरूम कर रहे हैं तैयार कंपोस्ट पे, तो कम से कम 15 से 20 किलोग्राम मशरूम आपको मिल जाएगा। थैंक यू। जो चीज़ें आपने बताई ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली यहाँ ट्रेनिंग में बिल्कुल की जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारे साथ थे डॉक्टर प्रेम शंकर जी, फसल सुरक्षा और या मशरूम प्रशिक्षण के प्रभारी भी हैं, और आने वाले अक्टूबर महीने से मशरूम की फसल उगाने का मौसम होता है, क्योंकि उस समय जो तापमान होता है वो मुफीद होता है बटन मशरूम के लिए। तो आप भी अगर प्रशिक्षण चाहते हैं, आप भी मशरूम के जरिए अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती से संपर्क करें और खास कर यहाँ आएँ तो डॉक्टर प्रेम शंकर जी फसल सुरक्षा वैज्ञानिक हैं, इनसे संपर्क करें और प्रशिक्षण लें, सर्टिफिकेट लें। और ये सारे सर्टिफिकेट भी अगर आपको के पास पूंजी का अभाव है तो आप विभिन्न योजनाओं में लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो सरकार की विभिन्न योजनाएँ हैं उसमें भी ये सर्टिफिकेट काम देगा। तो यह था आपके लिए विशेष पेशकश जो आपके रोजगार से जुड़ा था। इजाज़त दीजिए, फिर ऐसी ही जानकारी के साथ हाजिर होंगे।